वर्सिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वर्सिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की मटरी। और ये जो मौसम है ठंडी मौसम में बड़ी आसानी से मेथियां मिल जाती हैं। हरी हरी मेथियां जो है कड़वी भी नहीं होती ये मौसम में। इसकी यही खासियत है कि ठंडी में अगर आप मेथी को खा के देखें तो वो गर्मी में मिलने वाली मेथी के मुकाबले में बहुत कम कड़वी होती है, ताकि पूरा घर आराम से इसकी कोई भी चीज़ खा सकता है। तो आज हम इसी वजह से मेथी की चीज़ को आपको बना के बताएंगे, और वो भी हम बनाएंगे बहुत आसान ट्रिक से, घर ही के सामान से, घर ही की रखी हुई चीज़ों से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक दें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मेथी को धो के इसके सिर्फ पत्ते पत्ते अलग किए हैं, सिर्फ पत्ते। और यहाँ पे हमने डंडी नहीं ली है। और इस मौसम में जो मेथी होती है ना, उसमें कड़वाहट कम होती है और बहुत ज़्यादा हमें मात्रा में ये मिल जाती है मार्केट में, आसानी से दस्तियाब होती है। तो पहले क्या करते हैं कि ये मेथी को हम ले जाएंगे, और यहाँ पर हमने जो है फ्राई पैन गर्म किया हुआ है, इसी में डाल देंगे। ये सिर्फ पत्ते पत्ते हैं, और इसको क्या करेंगे हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे बस हल्का सा नमक, मतलब चार पांच चुटकी है बस ये। और इस तरह से डाल के इसको अच्छे से पानी बस सुखाना है हमें इसका। और इसका पानी सूख जाएगा तो ये इसमें जो बची खुची कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देख रहे हैं आप, फटाक से बुझ गया, फटाफट से हो गई। तो अभी इसमें पानी है अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी बुझ जाए। तो ये देखिए कितनी ज़रा सी हो गई ना, एक गड्ढी ये हमने पूरी ली हुई है, सिर्फ उसके पत्ते खाली लिए हुए हैं। और इस तरह से हम सबको अच्छे से पानी सुखा लेंगे। यहाँ पे मैंने चार हरी मिर्चें और कुछ लहसुन लिए हैं, एक जवा लहसुन पूरा है और नमक है, तो इसको मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए हमने पीस के इस तरह से बारीक सा दरदरा सा बना लिया है, लहसुन मिर्च और नमक सिर्फ। तो देखिए यहाँ पर हमारी मेथी हो गई है, बिल्कुल भी अब पानी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक हम इसे रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वाटी आटा ले लिया है, ये 300 ग्राम आटा है। और इसी में देखिए हम अपनी मेथी भी डाल देंगे, अब जो हमने पानी उसका सुखा लिया था वो। और डालेंगे एकदम आधा टीस्पून से भी कम कलौंजी, और आधा टीस्पून से कम अजवाइन। साथ में मैं ये चटनी जो हमने भी पीसी है वो भी एक चम्मच ले लूँगी, ताकि इसमें थोड़ा सा चटकपन भी आ जाए, बहुत अच्छा लगेगा इसकी वजह से। साथ में मैं यहाँ पे मोयन के लिए ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि ये बहुत अच्छी खस्ता सी बन जाए। तो ये खस्ता ही हम बना रहे हैं ना। और नमक क्या है, हमने उसमें डाला था ना चटनी में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे, और आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इसको पहले मैं अच्छे से मिला लूँगी। और फिर अब ये देखिए एकदम अच्छा से ये मिक्स हो गया है, और इसका बहुत ही ये अच्छी सी बन जा रहा है, देखिए है ना, मुठिया बन जा रही है ना। तो ये ऑयल अच्छा पड़ गया है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गून लेती हूँ। एक सॉफ्ट सा एकदम आटा गून लेंगे हम। ये आटा देखिए हो गया है, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसको भी इस तरह से गून ले रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा आटा रेडी हो गया है। तो ऑयल हमारा गरम हो रहा है, और हम यहाँ पर देखिए ऐसे बना रहे हैं टिक्की हाथ से। इसको भी हमने पलट लिया, और फिर एक राउंड और पलट लेंगे।
हाथ से ही हम इस तरह से शेप दे रहे हैं और इस तरह से आटे में डाल। तो एक और मैं आपको करके बताती हूँ। ऐसे पहले गोल करके हम इसे चपटा कर देंगे, हाथ से हम इसको बड़ा कर लेंगे खूब सारा। एक परत मैं इस तरह से मोड़ दूंगी और दूसरी इस तरह से। तो ये समोसे के शेप का हम इसको तलने को डाल दे रहे हैं। आज हमने बहुत ही धीमी रखी है तो अब हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए सब खुल खुल गई हैं अंदर से और ये अंदर तक के अच्छे से एकदम क्रिस्पी सी बनी है। और आपने देखा कि हमने आटे से ये बनाया है, तो बताइए हर चीज़ घर में मौजूद थी ना, तो घर ही की चीज़ों से ये हमने बना दिया और इतना टेस्टी और इतना कुरकुरा कि बच्चे तो इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। देख रहे हैं आप इसका शेप कैसे खुल गया है इसका मुंह। तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल दे रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे दूसरी बनी हुई। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ये शेप देना। तो ये देखिए हमारी खस्ता तैयार है। तो हमारा दूसरा बैच भी हो गया है रेडी। दूसरा बैच भी हमारा तैयार है, बहुत ही कुरकुरी और खस्ता सी बनी है। आप इस मटरी को दही और मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही चटपटी बन जाएगी। तो ये भी हमारी हो गई आखिरी बैच, अब हम इसे भी निकाल ले रहे हैं। मेथी की मटरी तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।